नमस्कार। आज के पाठ में हम पढ़ेंगे परिधि और क्षेत्र। अंग्रेजी में बोले तो पेरीमीटर एंड एरिया। अगर आपको अपने घर के चारों ओर बाड़ लगाना है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? उत्तर है परिधि। आपको अपने घर के चारों ओर की परिधि निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसके चारों ओर बाड़ लगा पाएंगे। आइए जानते हैं परिधि होता क्या है। किसी आकृति की परिधि उसके चारों ओर की दूरी होती है। जैसे यहाँ एक आयत दे रखा है, इसका एक पक्ष का मान है x और दूसरे पक्ष का मान है y। तो इसकी परिधि क्या होगी? x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यानी 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, यह इसकी परिधि होगी। अब देखिए यहाँ उदाहरण दे रखे हैं, तीन उदाहरण दे रखे हैं। तो पहले उदाहरण में एक बहुभुज है जिसकी कुछ पक्ष हैं और इनके मान दे रखा है। तो हम अगर सारे पक्षों को जोड़ दें तो इसकी परिधि आ जाएगी। तो जैसे आप देखिए 7 + 3 + 5 + 3 + 2 + 1, यानी 32, तो 32 इसकी परिधि हो जाएगी। दूसरे उदाहरण में देखिए 9 + 3 + 4 + 9 + 9 + 13, यानी 47, तो 47 इसकी परिधि हो जाएगी। और तीसरे उदाहरण में एक वर्ग दे रखा है जिसका परिधि अगर हमको निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, 4 + 2 + 4 + 2, यानी 12, तो 12 इसकी परिधि हो जाएगी। वर्ग की परिधि अगर हमको निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं? वर्ग के चारों पक्ष समान होते हैं, और इसका अगर कोई पक्ष का मान है a, तो फिर इसकी परिधि क्या होगी? a प्लस a प्लस a प्लस a, क्योंकि चारों पक्ष समान है। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि क्या है, 4a। डायरेक्ट हम इस फार्मूले से किसी वर्ग की परिधि निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं क्षेत्र क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा आवरण की गई द्वि आयामी जगह की मात्रा को हम क्या कहते हैं, क्षेत्र। अगर किसी वर्ग का पक्ष का मान है a, तो उसका क्षेत्र क्या होगा? a गुणा a, यह उसका क्षेत्र होगा। अगर हमको निकालना है किसी आयत का क्षेत्र, आयत में सारी पक्ष समान नहीं होते हैं, तो किसी आयत का अगर हमें क्षेत्र निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं अगर किसी आयत का एक पक्ष है a और दूसरे पक्ष का मान है b, यहाँ a क्या होगा, लंबाई, और b है चौड़ाई, तो उसका क्षेत्र हो जाएगा a गुणा b। जैसे यहाँ दो उदाहरण दे रखे हमें, पहले आयत में एक पक्ष का मान है 6 और दूसरे पक्ष का मान है 4, तो इसका क्षेत्र हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 × 4, जो कि कितना होता है, 24। हम दूसरे उदाहरण में देखते हैं, यहाँ एक आयत है जिसका एक पक्ष का मान है 5 और दूसरे पक्ष का मान है 3, तो इसका क्षेत्र हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 × 3, जो कितना होता है, 15। तो इस प्रकार हम किसी भी आयत का या वर्ग का क्षेत्र भी निकाल सकते हैं। धन्यवाद।